चलिए लेट्स स्टार्ट. ओ चचा सेटल डाउन प्लीज. चलिए चलिए गाइस प्लीज सेटल डाउन. लाओ लेट्स कमिंग डाउन बैक. कल हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ टॉर्ट्स. आप लोगों ने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर कल मेरे साथ दो तरीके की लाइबिलिटीज डिस्कस करी थी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसके अंदर सबसे पहली हुआ करती थी स्ट्रिक्ट, जिसको आप एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी कहते थे, और दूसरी थी वाइकेरियस लाइबिलिटी, जिसका मतलब था दैट द प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी लाइबल फॉर द एक्ट्स डन बाय इट्स एजेंट. ये हो गए आपके दो तरीके की. अब अपन चल रहे हैं तीसरी, वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट. कमिंग डाउन बैक, वाइकेरियस का मतलब क्या होता था, दैट द मास्टर इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट. अब यह सवाल उठा रहा है कि क्या एक स्टेट भी अपने किए गए बंदों के लिए लाइबल होगा या नहीं होगा. आ जाइए देखते हैं द पोजिशन इन इंग्लैंड एंड द पोजिशन इन इंडिया. अच्छा दो चीजें बात समझना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट का मतलब क्या. इट इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि जब कभी भी अपन वाइकेरियस लाइबिलिटी बोलते हैं, वाइकेरियस का मतलब क्या होता है, दैट द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट. प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है एजेंट के लिए. मान लीजिए कि मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया जिसको मैंने कोई काम दिया था, काम करते करते कुछ हो गई गलती, उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मेरी, मतलब कि प्रिंसिपल की. अब ये सवाल पूछ रहा है कि जब आप गवर्नमेंट बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो गवर्नमेंट जब काम कर रही है तो क्या स्टेट लाइबल होगा गवर्नमेंट की कोई गलत एक्टिविटी की वजह से या नहीं. आपका कहना है कि स्टेट लाइबल होगा, बात खत्म. स्टेट की भी लाइबिलिटी क्रिएट बिजनेस के कोर्स में होगा. तो मेरे को समझ में आ गया कि तूने चीज पढ़ी है एंड व्हाट यू ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, बट हो जाइए. अच्छा अब यहां पे ना दो तरीके की फॉलोइंग्स है, एक है इंग्लैंड के अंदर का और एक है इंडिया के अंदर. इंग्लैंड ऑब्वियसली हमसे अलग जा रहा है, हम थोड़े से अलग जाएंगे. इंग्लैंड क्या कहता है, एट कॉमन लॉ द क्राउन कुड नॉट बी सूड, महारानी को उंगली करो नक्का. In tort, either for wrongs actually authorized by it, चाहे उसने बोला हो ये काम करने के लिए फिर भी गलत हो गया, चाहे उसने ना बोला हो फिर भी गलती हो गई. By its servant in the course of their employment with the passing of Crown Proceeding Act 1947. अच्छा अब देखो महारानी का पहले रूल क्या कहता था कि महारानी को लाइबल मत करो, पर फिर अपन लोगों ने जब इन लोगों को अक्कल आई थी उसी टाइम में ये एक्ट आया था, द पासिंग ऑफ क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947, इनकी अक्कल आने वाला साल. The crown is liable for the tort committed by the servant just like a private individual. और 1947 में आप लोग अपना नया final rule लेके आए जिसमें हमने कहा even the crown is going to be liable. तो पहले England में क्या हुआ करता था, crown will never be liable. अब क्या होता है, that the crown is going to be liable. हम भी Indians हैं, हमने कहा हम भी हमारे crown को इतना easily तो liable नहीं करेंगे, तो अपन ने भी दो conditions बना दी. सुनिएगा आप इस चीज को. अच्छा for just for the sake of it, गवर्नमेंट है ना दो तरीके के फंक्शंस करती है, एक होते हैं सोवरेन फंक्शंस, एक होते हैं नॉन सोवरेन फंक्शंस. जब आप बात करते हैं सोवरेन फंक्शंस की, सोवरेन के फंक्शंस का मतलब होता है इस तरीके की एक्टिविटी, इस तरीके की एक्टिविटी जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है और कोई नहीं, और नॉन सोवरेन फंक्शन मतलब जो आप भी कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट भी कर सकती है. तो हमने क्या बोला कि अगर गवर्नमेंट कोई नॉन सोवरेन फंक्शन कर रही है, मतलब ऐसा फंक्शन जो आप भी कर सकते थे और गवर्नमेंट भी कर सकती थी, और वहां पे उसके सर्वेंट ने कुछ गलत कर दिया ना, तो स्टेट को भी लाइबल कर देना, क्योंकि नॉन सोवरेन फंक्शन था, स्टेट के ऊपर भी जिम्मेदारी ले जाना. क्यों, आप भी वो काम कर रहे हो, वो भी वो काम कर रहे हैं, अगर हम आपको लाइबल कर रहे हैं तो हम उनको भी लाइबल करेंगे. However, अगर गवर्नमेंट कोई सोवरेन काम कर रही थी, मतलब ऐसा काम जो सिर्फ बाय कॉन्स्टिट्यूशन वो ही कर सकती है, ऐसे केस के अंदर उनको लाइबल मत करना. गेटिंग द पॉइंट. अब इसका रैशनल लॉजिक देता हूं, पहले रीड कर लें एक बार. आ जाइए द पोजीशन इन इंडिया, वेयर अ केस ऑफ गवर्नमेंट लाइबिलिटी इन टॉर्ट कम्स बिफोर द कोर्ट, द क्वेश्चन इज वेदर द पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक्टिविटी विच गवर्नमेंट राइज टू द टॉर्ट वॉज द सोवरेन फंक्शन और नॉन सोवरेन फंक्शन. इफ अ सोवरेन फंक्शन इट कुड क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम टॉर्टियस लाइबिलिटी, अदरवाइज नॉट. दो तरीके के फंक्शंस आ जाए बेटा जल्दी से. वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट की बात चल रही है, प्लीज 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 गाइस जल्दी आ जाए. वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, वाइकेरियस का मतलब होता है द प्रिंसिपल बीइंग लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट. वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, व्हेन विल द स्टेट बी लाइबल. अगर स्टेट प्रिंसिपल है और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, उसके एजेंट. तो सवाल ये पूछा गया, अभी तक चल नहीं हो गया, व्हाटएवर. तुम लोग इतना जल्दी क्यों बताते हो सालों, मुझे कोशिश कर रहे थे पर तू एक बार
Whatever. Coming back. Vicarious liability of the state. The जिस तरीके से principal agent के लिए liable होता है उसी तरीके से state भी principal है और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो उसके agent है. तो क्या एक state भी liable होगा अपने agent के किए हुए काम की वजह से? हमने कहा दो चीजें कि भाई समझ कि जब कभी भी ये जो एजेंट काम कर रहा है ना तो वो स्टेट के दो तरीके के काम कर सकता है. सोवरेन एंड नॉन सोवरेन फंक्शन. बेटा नॉन सोवरेन फंक्शन का मतलब समझना, ऐसा कोई भी फंक्शन जो स्टेट भी परफॉर्म कर सकता है और कोई प्राइवेट पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है, उन सारे फंक्शंस को नॉन सोवरेन कहा जाता है. जैसे कि अगर आप बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्टेट भी है प्राइवेट पार्टीज भी है. नाउ दिस फंक्शन ऑफ द स्टेट इज अ नॉन सोवरेन फंक्शन. और अगर यहां पे एक बस वाले ने या फिर एक उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले ने कुछ गलती की तो क्या ऐसी चीज के लिए हम स्टेट को भी लाइबल कर सकते हैं? हमने कहा यस, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो क्या है, एक नॉन सोवरेन फंक्शन है, क्योंकि यहां पे प्राइवेट पार्टीज भी हैं, आप भी हो. अगर हम प्राइवेट पार्टीज को यहां पे टॉट के अंदर ला रहे हैं तो तू भी टॉट के अंदर आएगा. श्योर. हाउएवर गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो क्या है, सोवरेन फंक्शंस है. सोवरेन का फंक्शन मतलब होता है इंडिपेंडेंट फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ कौन परफॉर्म कर सकता है, स्टेट. तो ये जो फंक्शंस है ना ये उसको बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कंपलसरी किए गए हैं परफॉर्म करने के लिए. तो ऐसे सारे एक्शंस जो स्टेट एक सोवरेन कैपेसिटी में निभाता है, जो फंक्शन से वो खुद ही कर सकता है, तो ऐसे केस के अगर अंदर स्टेट के एजेंट से, स्टेट के एजेंट से कोई गलती भी हो जाए तब भी आप लोग गवर्नमेंट को टॉर्टियस लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते. अब आएगा मन में सवाल, सर इसका एक एग्जाम्पल मुझे पता था औकात का. डीमोनेटाइजेशन वॉज डन बाय नरेंद्र मोदी इन विच वी एस्टिमेटेड दैट द ब्लैक मनी विल बी कर्ब्ड, इन विच वी एस्टिमेटेड दैट द न्यू करेंसीज कॉस्ट विल बी रिकवर्ड लाइक दिस. इतना ब्लैक मनी पकड़ेंगे, करना क्या है, रखना क्या है, तुम्हारे अकाउंट में 15-15 लाख आने वाले थे, है ना सबके पास दिमाग तो नहीं है. डीमोनेटाइजेशन वॉज समवेयर अ लॉस, कहीं ना कहीं हम लोग अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाए, जो आरबीआई की रिपोर्ट्स कहती है. We all support the idea of demonetization, but there has been a loss. The question is, कि ये जो आपके यहां पे नुकसान हुआ इसके लिए स्टेट को लाइबल करोगे या नहीं करोगे? हमने कहा नहीं कर सकते यार, क्योंकि ये जो काम वो स्टेट कर रहा था वो क्या था, एक इंडिपेंडेंट, एक सोवरेन फंक्शन था, ऐसा सोवरेन फंक्शन जिसमें उसके एजेंट्स ने काम किया क्योंकि उनको काम करना जरूरी था. और मान लो उनका प्लान सही नहीं था, मान लो उनका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं भी था, तो ये फंक्शन के लिए कभी भी स्टेट को लाइबल नहीं किया जा सकता. आर वी श्योर इनफ? डन, बढ़ो आगे. चलिए तो प्लीज एक बार वापस से द पोजिशन इन इंडिया रीड कर लें, ऑल्दो मैंने आपको एक बार रीड करा दिया है. डन. क्या तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, इतना क्या धीरे धीरे करते हो रीड? अच्छा अच्छा, लाइन के नीचे लाइन कर रहे हो, करो. चलिए डन, गोइंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्ट्स और रॉन्ग्स टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, माय फेवरेट पर्सनल टॉपिक. टॉर्ट्स और रॉन्ग्स अगेंस्ट पर्सनल सेफ्टी. And freedom. हाँ जी, आप अपनी पर्सनल सेफ्टी की बात कर रहे थे, आप फ्रीडम की बात कर रहे थे. देखते हैं कहानी कुछ इस प्रकार. सबसे पहला the tort, an action for damage lies in the following kind of wrongs. अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी किया जाए तो आप एक्शन ले सकते हैं. सबसे पहला है बैटरी. बैटरी मंजे का है धोना, सामने वाले इंसान को धोना. सो बैटरी इज जहां पे आपने फोर्स यूज किया, आपने अपना फोर्स यूज किया सामने वाले बंदे को डराने के लिए, दिस इज बैटरी. चाहे उसको लगी नहीं लगी. गोलमाल पिक्चर देखिए, वो एंथनी गोंसाल्वेस नीचे गिरता है, नीचे
इमैन मेरे को लग गई नहीं रे, तेरे को नहीं लगाना ठीक है, पर फिर भी तेरे साथ क्या किया गया है, बैटरी लगना इज नॉट इंपॉर्टेंट, द फोर्स वॉज इंपॉर्टेंट, फोर्स लगाना इट इज एन ऑफेंस ऑफ बैटरी. श्योर इनफ, बैटरी मीन्स एनी काइंड ऑफ फोर्स इंप्लाइड बाय वन पर्सन ऑन अनदर पर्सन विदाउट एनी लीगल जस्टिफाइड रीजन. सर लीगल जस्टिफाइड रीजन क्या होता है, कोई आपको लॉ बोलता है क्या मारने के लिए? कल अपन ने पढ़ा था प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, कोई आपके घर में जबरदस्ती बैठा है तब आप फोर्स यूज कर सकते हो उसको घर निकालने के लिए, तो वो बेवड़ा बाहर निकल कर नहीं बोल सकता बैटरी चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ऐसा बैटरी इज नॉट अलाउड. भाई यहाँ पे बैटरी था ही नहीं, इट वॉज रिक्वायर्ड अंडर लॉ. कमिंग डाउन इज नेक्स्ट इज असॉल्ट. असॉल्ट म्हणजे काय? थप्पड़ मारूंगा, मारा नहीं सिर्फ धमकी दे रहा है कि मारूंगा इज असॉल्ट. एकदम ठीक है, आपके घर वाले आपसे कोई काम कर रहे, ये आपके घर वाले आपके साथ असॉल्ट कर रहे हैं, टॉर्ट्स के अंदर केस कर सकते हो तुम. ये जो चमका रहे ना ऐसे ऐसे करके, कह देना मॉम इफ यू बेटर बी अवेयर आई हैव लर्नड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यू शैल बी लायबल एंड माई लॉयर्स विल टॉक टू यू नाउ. यस, तब तुम्हारे साथ बैटरी होगी ठीक है, देन योर लॉयर्स शुड टॉक. सो प्रिटी श्योर अबाउट वॉट इज बैटरी एंड वॉट इज असॉल्ट, ट्राई करके देखो आज घर जाके एक बार, माँ को दो वकील की धमकी बताएगी तुमको ठीक है. तो अब आई थिंक इट्स प्रिटी श्योर दैट वी नो वट इज असॉल्ट वट इज बैटरी. अब इस कहानी को एक स्टेप आगे लेके जाता हूं. देखो जाहिर सी बात है यूजुअली जब बैटरी होती है तो असॉल्ट होता ही है ठीक है ना. हम आज तक हिंदी मूवीज देख के बड़े हुए, कुत्ते के बच्चे मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये पहले एक असॉल्ट है और फिर सनी देओल कुत्ता बन के खून पीता है. सो उसके बाद असॉल्ट के बाद बैटरी होता है. तो हम क्या बोल रहे हैं, यूजुअली जब बैटरी हो जाता है ना तो असॉल्ट होता ही है. द यूजुअल अजम्पशन इज व्हेनेवर देयर इज बैटरी देयर इज अ केस ऑफ असॉल्ट. हाउएवर बंदा उल्टा खड़ा था तुमने पीछे जाके चिपका दिया तो कभी कभार असॉल्ट नहीं भी होता. सो इट्स नॉट कंपल्सरी बट द जनरल रूल सेज बैटरी इज फॉलोड और इज प्रिसीडेड बाय असॉल्ट. हाउएवर इन सर्टन केसेस देयर माइट बी नो असॉल्ट ओनली बैटरी. एकदम ठीक है, आ जाओ तीसरी चीज, बॉडीली हार्म. बॉडीली हार्म तो अब आप समझ ही गए होंगे, मम्मी को जाके पूछना बताएंगे आपको, बोलना कि अगर तुमने मेरे साथ असॉल्ट किया तो फिर देखो. नेक्स्ट है मलिशियस, अच्छा आई एम सॉरी फॉल्स इंप्रिजनमेंट. व्हाट इज फॉल्स इंप्रिजनमेंट? फॉर नो गुड रीजन देयर वाज नो जस्टिफिकेशन आपको जबरदस्ती इंप्रिजनमेंट में डाल दिया जिसकी वजह से आपकी जो बची कुछ इज्जत थी वो भी लूट गई. आपने कहा भाई जबरदस्ती जेल में बैठा हुआ था दो दिन कन्फ्यूजन के चक्कर में, फॉल्स इंप्रिजनमेंट है. आप टॉर्ट के अंदर आ सकते हो कि मुझे कॉम्पनसेशन दिलाओ, मुझे चाहिए कॉम्पनसेशन. नेक्स्ट मलिशियस प्रोसिक्यूशन. व्हाट इज मलिशियस? एक सही ना, जब मैं बोल रहा हूँ ना फॉल्स इंप्रिजनमेंट, तो क्या तुम स्टेट से कॉम्पनसेशन मांगने की सोच रहे हो क्या? इंप्रिजनमेंट करना स्टेट का सोवरेन काम है, तुम स्टेट से नहीं ले पाओगे कुछ भी. जिसकी वजह से फॉल्स इंप्रिजनमेंट हुआ उससे कॉम्पनसेशन लेने की बात चल रही है. गोइंग डाउन मलिशियस प्रोसिक्यूशन. व्हाट इज मलिशियस प्रोसिक्यूशन? एनीवन? हाँ हाँ आ रहे गया क्या? ठीक है मेरे को आया. कमिंग डाउन टू मलिशियस प्रोसिक्यूशन, अगर मैं कल विकास सर पे केस कर दूं कि ऑफिस में मुझे गंदी नज़र से घूर घूर के देखता है और ऐसे ऐसे करता है, कर लो जाके प्रूफ, मैंने तो केस कर दिया. अब वो बेचारा इतना सीधा आदमी, भक्त आदमी, देवता आदमी, जीवन में कभी उसने किसी पराई नारी को नहीं देखा तो आदमी तो देखने का सवाल ही नहीं था. बट स्टिल हाँ वैसे आदमी देखने का तो उसके पास टाइम भी नहीं है. सो कमिंग डाउन टू मलिशियस प्रोसिक्यूशन मैंने लगाया झूठा इल्ज़ाम. झूठे इल्ज़ाम की वजह से भाई की खराब हुई है इज्जत. जब ये इज्जत खराब हुई ना तो भाई बोला कॉम्पनसेशन चाहिए टॉर्ट्स के अंदर. नेक्स्ट है नर्वस शॉक. What is nervous shock? अबे ये तो सीआरपीसी है, वो साली वहीं खड़ी थी. रास्ते में शॉपिंग कर रही लोकल बीवी. चलिए ना इधर केसेस, आई मेक इट अ बिट मोर इजी जो रियलिस्टिक लगे. रिजल्ट का टाइम था आपके, ठीक है अच्छा
अपना ऋषिकेश आया सामने, सर मेरा रिजल्ट आप देखो. मैं कहा मैं देखता हूँ. रिजल्ट खोला, पास पास. मैं कहा भाई बुरी कदर फेल हुआ है. और ये सुन के उसको झटका आया और नीचे गिर गया. मैं कहा अरे मजाक कर रहा हूँ, पर तब तक इसकी आधी रूह निकल चुकी थी और कंफ्यूज होकर वापस आई. ये हल्का उठा, पर तब तक इसको जेन्युइनली बहुत बड़ा शॉक लग गया था, एक मेंटल डिप्रेशन आ गया था और भाई की एक आध नस हिल गई थी. एकदम ठीक है. अच्छा, मेरा मन कोई इसको मारना नहीं था, मैं तो एक छोटी सी मस्ती करना चाह रहा था. मस्ती मस्ती में भाई के साथ छोटी सी ज़्यादा मस्ती हो गई और नर्वस शॉक हो गया. क्या भाई कॉम्पनसेशन मांग सकता है? ठीक है, गालियां देने के बाद आप कॉम्पनसेशन भी ले पाएंगे. एंड लास्ट इज डेफोमेशन. व्हाट इज डेफोमेशन? डेफोमेशन, राहुल गांधी चोर है. हाँ सर, ये डेफोमेशन नहीं है, ये तो सच है. सो व्हाट डू वी मीन बाय डेफोमेशन? अगर आप कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो आपको पता था कि गलत है और आपके इस स्टेटमेंट की वजह से सामने वाले की पब्लिक रेपुटेशन खराब होती है, इस स्टेटमेंट को आप डेफोमेशन बुलाते हो. डेफेमेशन में भी आगे अलग अलग टाइप होते हैं, लिबल एंड स्लैंडर. हाउएवर अपन सीआरपीसी नहीं पढ़ रहे तो अपनी होशियारी मत देना इधर. वापस, क्या डेफेमेशन में भी आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं? यस, अगर पता पड़ता है कि आपकी इज्जत की लंका लगाई गई है तो आप उस लंका के लगे हुए चक्कर में पैसे मांग सकते हैं. क्या सर कोई रिसेंट एग्जाम्पल है डेफेमेशन का? बिल्कुल है. श्री 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 जी झाड़ू मास्टर अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे प्यारे बिलव्ड मिस्टर लेट मिस्टर अरुण जेटली के लिए कहा था कि आप चोर हैं. अरुण जेटली ने कहा था रुक मी दाखा तो रुक तेरे को. अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने बाद में तो रिटर्न स्टेटमेंट भी दिया भाई. भाई क्या नाराज हो रहा है, क्या इतनी सी बात पे केस? कौन? राम जेठमलानी तो खाएं डिपेंड. कौन नहीं कहते? राम जेठमलानी बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, चांसिच नहीं. अरविंद, हाँ ऑपोजिट तो जाके खड़ा हो गई होगा. बीजेपी के अगेंस्ट राम सर हमेशा जाके खड़े हो सकते हैं कभी भी. मतलब उनके जाने के बाद भी मुझे है कि वो वापस आ सकता है एक बार के लिए, खाली थोड़ा बीजेपी की मार के चले जाऊँ, ऐसी हालत है. नफरत कोई कर सकता है ना बीजेपी से? राम जेठमलानी. उसने मालूम क्या बोला? ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, कोई दिक्कत नहीं. आप समझ रहे हो मोदी से कितनी नफरत है? आप ममता दीदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हो, उसको सरकारी दफ्तर की चपड़ासी ना बनाए कोई, उसको आप प्राइम मिनिस्टर बात करो. खैर, राहुल गांधी के लिए भी सेम स्टेटमेंट बोल सकते हैं अपन. बट इन आइदर केसेस, ऐसे को इंसान को सपोर्ट कर दिया, वो बेचारा इतना फंस गया, फिर भी हार नहीं मानी. उसने कहा बीजेपी को तो नहीं देने देंगे वोट. अगेन मोदी लहर, ही कुडंट हेल्प, ही लेफ्ट. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कमिंग डाउन टू बैटरी. अब जल्दी से पढ़ लेते हैं. बैटरी का मतलब क्या था? फोर्स. So, any direct application of force on another individual without his consent, जाहिर सी बात है पूछ के धक्का मारोगे क्या? और lawful justification. I just told you what is lawful justification. That is, किसी ने आपके घर में trespassing की है, is a wrong of battery. बेटा ज्यादा तेज धक्का देना double battery नहीं होता है, please इस चीज को याद रखना. Even though the force used is very trivial and does not cause any harm, the wrong is committed. अच्छा, एक सेकेंड. बॉम्बे गए, लोकल ट्रेन में चढ़े, तो लोकल ट्रेन में तो हर औरत लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर केस कर, धक्का क्यों मारा भैया? ये तो सबसे कॉमन चीज होती है वहां पे. अगेन सही बोल रहे हो, क्या करोगे तुम? लगा, उसको लगा धक्का. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स की आप बात कर रहे हो, आपने बैटरी की बात करी. अगेन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि फोर्स कितना था, ज़्यादा तेज फोर्स था, मतलब बहुत ही तेज धक्का था, औरत रगड़ते हुए नीचे गिरी, तब तक धक्का नहीं मानोगे? ऐसा नहीं, धक्का धक्का है, ठीक है ना? अपने को उसको ट्रेन के अंदर लिटाना नहीं है, धक्के दे देखे उसको धक्का लगाना. अच्छा, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं? देर इज़ अ लॉफुल जस्टिफिकेशन दैट इंडियन ट्रेन्स इन मुंबई, द लोकल्स आर सो ओपन कि हर कोई कहीं पर भी जाके खड़ा हो सकता है. आप मेरा सार्कैज़म समझ रहे हैं कि भाई खुजाने के लिए, अगर आपको बाल खुजाने के लिए सर के, अगर आपको बगल वाले को बोलना पड़ता भाई थोड़ा प्लीज, तो ऐसे केस में जो इतनी बुरी हालत है वहाँ पे ये है, तो वहाँ पे धक्का क्यों मारा वाले क्लेम सेटल नहीं हो पाएंगे. मतलब अगर वो जज को भी तुम जाके बोलोगे ना उसने ट्रेन में मुझे धक्का मारा, तो वो भी बोलेगा बहन उसमें क्या हो गया, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, होने ही वाली है. सो दस इवन टू टच अ पर्सन इन एंगर और विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज बैटरी. एकदम ठीक है, आपने खाली किसी को गुस्से में छुआ, बैटरी हुई. असॉल्ट,
बताया था घर पे जाके मम्मी के सामने ट्राई करना. असॉल्ट इज एनी एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट विच डायरेक्टली कॉजेज द प्लेंटिव इमीडिएटली टू एप्रीहेंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज पर्सन. अब समझना, एप्रीहेंड टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने बस एकदम दिखा दिया कि तू ये कर रहा है कि मैं बैटरी कमिट करूं. दिस इज असॉल्ट. अब देखना नीचे की तरफ, इसका एक मैंने लॉजिक लिखा है. टू पॉइंट अ लोडेड गन एट द प्लेंटिफ और टू कर्स हिम इन अ थ्रेटनिंग मैनर, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा. दिस इज असॉल्ट हिम क्लियरली इफ द डिफेंडेंट बाय हिज एक्ट इंटेंट्स टू कमिट अ बैटरी. असॉल्ट मतलब आप अपना इंटेंशन दिखा रहे हो कि आप बैटरी कमिट करना चाह रहे हैं एंड द प्लेंटिफ एप्रीहेंस इट इज एन असॉल्ट. और प्लेंटिव इसकी वजह से डर रहा है बेचारा, तो आप इसको क्या बोलते हो? असॉल्ट. नेक्स्ट इज फॉल्स इंप्रिजनमेंट. नाउ व्हाट डू मीन बाय फॉल्स इंप्रिजनमेंट? किसी ने आपके खिलाफ झूठा केस किया था जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ गया, बाद में पता पड़ा कि केस एकदम गलत था. इट मीन्स इम्पोजिशन ऑफ लोकल रिस्ट्रेन फॉर सम पीरियड हाउएवर शॉर्ट अपॉन लिबर्टी ऑफ अनादर विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन. इसका मतलब था कोई अनऑथोराइज रिस्ट्रेन हुआ एक पर्सन की बॉडी का. If a man is restrained by a threat of force leaving his own house or an open field, there is false imprisonment. अच्छा एक सेकेंड, अभी है ना ये केस अपने को, ये अभी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर हुआ था. अपन ने आर्टिकल 370 उड़ाया था ना, तब जम्मू एंड कश्मीर में सारे लीडर्स को घर के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया था. सो अगेन दैट्स अ हाउस अरेस्ट. उन्होंने कहा क्यों किया अरेस्ट? मोदी जी बोले नहीं. हाँ उन्होंने क्या बोला कि ये लोग हमको जानबूझ के अरेस्ट करके रख रहे हैं, देर इज फॉल्स इंप्रिजनमेंट ऑन अस, नहीं चलेगा, स्टेट की दादागिरी नहीं चलेगी. खैर पहली बात आप गुजरातियों के आड़े आ रहे हो, और दूसरी बात उसमें भी नरेंद्र भाई मोदी के आगे आ रहे हो. दो मिनट में जस्टिफिकेशन नोटिस इशू किया गया क्योंकि हमें डर है इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द स्टेट. हम लोग उनको बाहर नहीं आने दे सकते. क्यों? क्योंकि उनके प्रायर एक्सपीरियंस हमेशा राइट्स करवाने के रहे हैं, हमेशा भड़काऊ स्टेटमेंट्स देते हैं, इसलिए हम उनको बाहर नहीं आने दे रहे. तो यहाँ पर फॉल्स इंप्रिजनमेंट नहीं हुआ. However, अगर फॉल्स इंप्रिजनमेंट होता फिर वो लोग कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते थे. नेक्स्ट है मलिशियस प्रोसिक्यूशन, झूठा केस चलाना. इट मीन्स इंस्टिगेटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अनादर मलिशियस एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज. कोई कॉज ही नहीं था ये करने का, जबरदस्ती चला दिया केस. Which terminates in favor of that other and which results in damage to his reputation, personal freedom or property. और इस केस का जजमेंट आया है सामने वाले के फेवर में. अच्छा अब सुनना, आपने कभी ये हिंदी पिक्चरों के डायलॉग सुने मानहानि का दावा? What is मानहानि? इज्जत के कांकरे. मानहानि, my image has been destroyed because of a ridiculously false case done by you and the court has given the judgment stating ki main is case mein galat nahi tha. To aap hamesha dekhte ho kya bolte hain, ek bar main ye case jeet to jaun uske baad main against wapas se tumhare khilaf case karunga manhani ka dawa karte hue ki mere ko compensation chahiye. malicious prosecution ki aapko wapas se right mil jata hai agar aapke upar koi case kiya gaya tha, judgment aapke favor mein aata hai aur aapko lagta hai ki ye case sirf aur sirf naam kamane ke liye tha, unnecessary mujhe tang karne ke liye tha, to aise case mein aap return case karke kya kar sakte hain? malicious prosecution ke liye apply kar sakte hain ki ye sirf aur sirf meri image kharab karne ke liye kiya gaya tha. what I want is compensation. nervous shock, iska best example aapke samne rishikesh maharaj hai, jhoota result bata diya. देख लो, अंडर दिस रिलीफ में बी प्रोवाइडेड व्हेन अ पर्सन गेट सम नर्वस शॉक थ्रू व्हाट ही हैज सीन और हर्ड. कल हरीश सर विकास सर घर पे आए हुए थे, मैं और विकास सर आराम से बाहर बैठे हुए थे रूम में, हरीश सर नहा के बाहर निकले, तौलिया छूट गया. जो विकास सर और मुझे लगा ना यहां पे, उसे नर्वस शॉक कह सकते हो बिकॉज वी हैव समथिंग सीन समथिंग जिसकी वजह से हम चीखने लगे. अरे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार ऑफ नर्वस शॉक, ऐसा कुछ हुआ नहीं. रात को मेरे घर पे आके क्यों ना आएगा वो बेचारा. बट मेयर शॉक इज नॉट इनफ टू मेक इट एन एक्शनेबल टॉट, सम इंक्वायरी और इलनेस मस्ट टेक प्लेस एज. अब देखो जस्ट बिकॉज, अच्छा देखो अब ना आप गेट से अंदर आ रहे थे, मैं गेट के पीछे था. अब आपको नर्वस शॉक लगा रहे, कॉम्पनसेशन ये नहीं है. कोई मेडिकल इलनेस होनी चाहिए, मतलब जो मैं कल वाला एग्जांपल दे रहा था उसमें सर और मेरे को झटका तो लगा, पर कोई मेडिकल इलनेस वाली सिचुएशन नहीं आई थी बिकॉज इट वॉज अप्रोप्रिएटली रेमेडीड इन अनदर सेकेंड. सो इन सच अ केस इफ देर इज नो मेडिकल इलनेस, तो जबरदस्ती कॉम्पनसेशन मत मांगो. हाँ सामने वाले बंदे को कोई मेडिकल इलनेस हुई है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई है, कॉम्पनसेशन चल भी
granted. Going against to the last defamation. Defamation manje kai? Statement made by any person which he knew was a wrong statement, but he still stated that statement just in order to defame the other person. Defamation is the publication of a statement which tends to affect the reputation of a person. Actually, it is attack on the reputation of person. It may be classified into two heads, libel and slander. Libel ka matlab kya hua karta tha? Serious. Libel matlab serious. Slander matlab thoda sa less seriousness. Libel matlab kya? Written. Aapne written form mein. Aap akhbar mein de rahe ho ishtihar. Gali gali mein shor hai. Rahul Gandhi chor hai. Maan lo ki in a parallel universe, Rahul Gandhi ek imandar insaan hai aur samajhdar bhi hai. Theek hai. It can mean only in a parallel universe. Is janam mein, is duniya mein toh possible nahi hai. Because this morning I got up at night. Rahul Gandhi ka pehla statement jahan se unka ye karwa chalu hua. Theek hai. Gajab aadmi yaar. Favorite hai mera. Bahut cute hai yaar. Bhari cute. Theek hai. So coming down to libel. Libel matlab permanent form mein bejati karna. अगर परमानेंट फॉर्म में बेइज्जती की है तो कॉम्पनसेशन भी ज़्यादा मांगेंगे, ज़रूरत पड़ी तो जेल भी करवाएंगे. पर अगर डिफेमेशन में आप जेल करवाने जा रहे हो तो फिर टॉर्ट्स में मत आना, फिर डिफेमेशन अंडर सीआरपीसी लेके जाना. डिफेमेशन इज अन ऑफेंस विच इज़ ऑल्सो अंडर टॉर्ट्स एंड ऑल्सो अंडर सीआरपीसी. अगर इम्प्रिजनमेंट वाली बात, आई एम सॉरी अंडर आईपीसी एंड इफ इट कम्स डाउन टू टॉर्ट्स, हम बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन. उल्टा इफ इट गोज डाउन टू आईपीसी, वहां पे जेल भी हो सकती है आपको. सो लिबल इज अ रिप्रेजेंटेशन मेड इन सम परमानेंट फॉर्म, एग्जाम्पल रिटन वर्ड्स, पिक्चर्स. स्लैंडर इज द पब्लिकेशन ऑफ अ डेफेमेशन स्टेटमेंट इन अ ट्रांजिएंट फॉर्म. ट्रांजिएंट फॉर्म का मतलब क्या होता है? टेम्पररी फॉर्म. स्टेटमेंट ऑफ टेम्पररी नेचर सच एज स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर्स. चले आगे. नाउ कमिंग डाउन टू द रेमेडीज अवेलेबल अंडर डेफेमेशन. Three types of judicial remedies are available in torts. Pehla, compensation. Aap eligible hai compensation lene ke. Second, injunction. What is injunction? Stay order. The right, jab wo aapko bol sakta hai, ki stop and do not repeat. Next, specific restitution of property. What is specific restitution of property, anyone? क्या कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि ये प्रॉपर्टी जो आपसे छीन के अलग जगह ले गया है, वहां से इस प्रॉपर्टी को वापस निकाला जाए और आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस दिला दी जाए. तो तीन तरीके की जुडिशियल रेमेडी, कॉम्पनसेशन, इंजंक्शन, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. अब इसके साथ आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज भी हैं, मतलब कि जिसमें आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, जिसका सबसे पहला तरीका है सेल्फ डिफेंस. ये कल एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज अपन ने डिस्कस की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अ पर्सन कैन यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी unlawful use of force. Second, prevention of trespass. कोई पीप हुआ के आपके घर में घुस आया है, क्या आप उसे रोक सकते हैं घर में आने से? Yes. An occupier of land or any authorized person may use reasonable force. वापस बोल रहा हूँ, reasonable force. तुम्हारे सामने कोई बंदा कंकर लेके खड़ा है, तुम बंदूक उठाई और गोली मार दी, चलेगा क्या? नहीं, प्लीज ध्यान देना. From entering the land or eject them if any have already entered the land. Re-entry on land. What is re-entry on land? अगर आपसे किसी ने आपकी जमीन छीन ली, क्या आप उस पर वापस एंट्री ले सकते हैं? A person wrongfully disposed of land may retake possession of land in a peaceful and reasonable manner. Next, recaption of goods. आपके goods आपसे छीन लिए गए, जैसे आप अपनी land में वापस re-enter कर सकते थे, आप अपने goods को भी वापस अपने control में ले सकते हैं. A person who is entitled to possession of goods can take it back either peacefully or by applying reasonable फोर्स. मेरा पेन दे दे एक, मेरा पेन दे दे दो, उसके बाद आप सब आ जाते हो औकात पे. लिया और रवाना. कुछ भिखारी पढ़ाकू स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं. आपके साथ कभी किसी ने किया है? पता नहीं, मेरे साथ तो सारी मंगती जात के थे लोग, और लड़कियां ज्यादा बड़ी मंगती होती हैं. अरे आंसर लिख रहा हूं, मान लो आप एक लाइन ज्यादा लिख रहे हो ना, आगे छाती में घूमती रहेंगी इधर ही, पता नहीं इस पेन की एफडी करानी है, घर जाके ले जाके घूमते रहेंगे. और पेन लेके ही जाती हैं, यहाँ पे भी लड़कियाँ ऐसी होंगी, पेन तो वापस मांग के लेके जाती होंगी. लड़के लोग, प्रीतम लड़की थोड़ी है साले, प्रीतम पेन मांगता है वापस उल्टे. क्या रे,
यही वाली खत्म होने याद देते बस यही तकलीफ मैं रेज करना चाह रहा था. सोसाइटी में कुछ लोगों को ऐसी पेन से अलग प्यार होता है, कुछ लोगों को स्टेशनरी से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है. तो यू हैव द राइट टू रिकैप्शन ऑफ गुड्स. कोई आपकी स्टेशनरी उठा के चला जाए छीन लो वापस जाके, पहले मांगो, ना माने तो छीन लेने का. अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस. रात को 4 बजे मेरे दोस्त बैल्कनी में हल्ला कर रहे थे, क्या रोका जा सकता है इस न्यूसेंस को. द ऑक्यूपायर ऑफ अ लैंड में लॉफुली अबेट और टर्मिनेट एनी न्यूसेंस. एंड लास्ट डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट. डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट मीन्स टू डिटेन थिंग्स विच आर डूइंग डैमेज. जो चीज़ नुकसान कर रही है उसी को डिटेन कर लो. मेरी तरफ मत देखो, मैं इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा. देयरफॉर एन ऑक्यूपायर ऑफ लैंड में लॉफुली डिटेन कैटल और अदर थिंग्स ऑन हिज लैंड डूइंग डैमेज अंटिल द कॉम्पनसेशन इज पेड. मेरे को नहीं बताओ एग्जाम. नहीं, शेर वाला नहीं, मतलब मैं नॉर्मल एग्जाम्पल देके ख़त्म कर देता हूँ. सच क्या है यार, तुम्हारे घर के अंदर तुम कोई ऐसी चीज़ लाए जिसकी वजह से न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो क्या जो चीज़ आप लाए नॉट बीइंग अ लिविंग पर्सन कैन बी डिटेन्ड? यस, कैन बी डिटेन्ड. मान लीजिए आप घर के अंदर एक बड़ा सा धमाकेदार साउंड सिस्टम लाए हैं, थोप थोप बजा रहे हैं, बहुत गजब सिस्टम, इतना लगातार आप तेज़ बजाते रहे, क्या ऐसे केस के अंदर आपने जो चीज़ लाई है उसे एक बार के लिए सीज किया जा सकता है टिल द टाइम जो अगल बगल लोगों का नुकसान हुआ है आप उसका कॉम्पनसेशन की भरपाई नहीं कर देते? यस. सो डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट मीन्स डिटेनिंग थिंग्स विच आर डूइंग द डैमेज. ठीक है एकदम. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? आपके घर पे कोई नशे पते की चीज़ें पड़ी मिली और आप उस नशे पते के अगल में पड़े हुए मिले, क्या जो चीज़ ये न्यूसेंस क्रिएट करा रही है उसको जब्त किया जा सकता है? यस, लेके जाएंगे. अब वो थोड़ी छोड़ के जाएंगे. दिस फिनिशेस ऑफ योर लॉ ऑफ टॉट्स. आई होप ये लेक्चर आप लोगों को एकदम क्लियर था. इस लेक्चर में बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.